आज आप सभी लोगों का इस प्रोटेस्ट में आने के लिए आप सभी लोगों को हम जय भीम करते हैं। जय भीम। साथियों, आज हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर एक सिक्योरिटी चार्ज लगा दिया गया है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आज उनके ऊपर लगाया गया है, ये बोलते हुए कि देश की अखंडता, देश की सिक्योरिटी से, देश की सिक्योरिटी चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी से, दलित का एसर्शन से आज देश की सिक्योरिटी को खतरा है। ये बोलते हुए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने आज उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। साथियों, हम यहाँ से सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी सिक्योरिटी से, अगर दलितों की एसर्शन से आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ता है, तो हमको ऐसे देश और ऐसे देश की सिक्योरिटी से एक्चुअल में खतरा है। हमको चंद्रशेखर रावण से खतरा नहीं है, हमको आज मोदी और योगी सरकार से खतरा है। अगर आज आप देश के अंदर ऐसे नागरिकों को बनाना चाहते हैं, ऐसे दलितों को बनाना चाहते हैं जो आपसे मिलने के लिए आए, तो आप उनके घर में साबुन की टिकिया देते हैं। ऐसा योगी सरकार, हमें ऐसी सरकार से खतरा है। साथियों, हमको इस बात को आज बोलना पड़ेगा कि आज देश भर में आज जंतर मंतर, इतना बड़ा जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे एक किसान आंदोलन चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले देश के अंदर इलाकों में मजदूर आकर यहाँ पर अपना जन आंदोलन को तेज करते हुए एक प्रोटेस्ट करके गए हैं। महिलाएं, अल्पसंख्यक, हर कोई आज इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो देश की जो ये पूरी अखंडता और सिक्योरिटी की बात किया जा रहा है, तो इसका जो दोगलापन है, इसके दोगलेपन के ऊपर आज हमको बात करना है और इसको एक्सपोज करना है। साथियों, आज ये योगी सरकार ये बोलते हुए आई थी कि हम उत्तर प्रदेश की हवा को बदल देंगे, हम लोग सबको, जो गुंडा राजवाद चल रहा है उसको खत्म करते हुए सबको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये इस योगी सरकार ने बोला था। और मोदी सरकार का ये जो दोगला नारा था, सबका साथ और सबका विकास, जिसको बोलते हुए 2014 के अंदर वो इस सरकार के अंदर आकर बैठे थे, इन सब के ये नारों के खोखलेपन को आज चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी एक्सपोज कर रहा है। हमको पूछना पड़ेगा, क्यों सहारनपुर के अंदर जब दलितों के घर को तोड़ा गया, तो जो ठाकुर आज चीफ मिनिस्टर वहाँ बने बैठे हैं, तब उनका सबका साथ और सबका विकास कहाँ गया था? तब जो सिक्योरिटी था दलितों का, वो कहाँ गया था? हमको इस चीज को, इस सवाल को बार बार पूछना पड़ेगा। साथियों, आप एक चीज को गौर करिएगा, अलग अलग समय में उन लोगों के ऊपर, उन शहीदों के ऊपर ये एक्ट लगता है जो लोग इस सरकार के दोगलेपन को एक्सपोज करते रहे, चाहे एक दौर में वो भगत सिंह हो, या इस दौर में चंद्रशेखर हो, या अखिल गोगोई जैसे एक लीडर हो असम में, या विनायक सिंह जैसे डॉक्टर हो, इन सबको ये देश की सरकार एक खतरा मानती है। आज इस देश में कोई भी जो सवाल पूछे, इस देश में कोई भी सोचे, तो वो सोचने वाले लोगों से, हम लोगों के दिमाग से इन लोगों को खतरा पड़ता है। तभी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तभी लोगों के ऊपर सिडिशन जैसे चार्ज लगा रहे हैं, और तभी आज चंद्रशेखर रावण को इन लोगों ने जेल के अंदर बंद कर रखा है। साथियों, आप देखिए ये कैसा देश है और इस देश का कैसा अखंडता है, जिसमें कोई आदमी को जेल के अंदर मेडिकल फैसिलिटी तक डिनाय कर दिया जाता है, ये चंद्रशेखर के साथ ये लोग करते हैं। तो इसीलिए आज मैं बात को ज्यादा नहीं खींचूंगी, कि मैं चाहूंगी कि यहाँ से जितने भी और जगह से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आए हैं, वो अपनी बात को रखें। लेकिन हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए बोलेंगे कि एक चंद्रशेखर थे जेएनयू के, जिनको सिवान के अंदर समन की ताकतों ने मार डाला था,
लेकिन हम ये चंद्रशेखर को अपने साथ, अपने बीच में, अपने आंदोलनों में जिंदा रखेंगे और ये इनके ऊपर ये जो फर्जी NSA का एक्ट लगाया हुआ है, जब तक ये खारिज खत्म नहीं होता हम लोग इस आंदोलन को करते रहेंगे और इस सरकार के ये जो सारा दोगलापंथी है इसको एक्सपोज करते रहेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 जय।